हेलो फ्रेंड्स, एमएक्स कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक बैनर बनाना। हाँ दोस्तों, फ्लेक्स कैसे बनाते हैं वो हम कोरल ड्रॉ के अंदर सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है ओम प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं एमएक्स कंप्यूटर। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी टाइप का वीडियो स्टेप बाई स्टेप लाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जाएंगे ना कोरल ड्रॉ को यहाँ से ऑन करेंगे। कोरल ड्रॉ देखेंगे हमारा यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर साइज लेने के लिए या फीट पे हम काम करेंगे या इंच में काम करेंगे वो हमें चूज करना होता है। तो दोस्तों, हम फीट पे काम करेंगे या इंच में काम करेंगे वो मेरे पे डिपेंड करता है। तो हम दोस्तों यहाँ पे काम करने वाले हैं फीट पे। तो हम फीट पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेंगे। यहाँ से एक हम रेक्टेंगल लिए, यहाँ पर उसका साइज लिख देंगे। हमें जो फैनर बनाना है वो 8x4 में बनाना है। तो हमें हॉरिजेंटल क्या करना है, 8 लेना है और वर्टिकल 4 लेना है। और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा साइज ओपन हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर इसका ब्लैक कर दिए। और क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही प्लस बटन टिपेंगे ना, जो हमारे कीबोर्ड में जो प्लस बटन होता है उस पर टिपेंगे ना, तो एक हमारा डुप्लीकेट बन जाएगा। यहाँ पे एक हमारा डुप्लीकेट बन गया है। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऊपर वाला शेप है ना, उसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट और अल्ट के साथ यहाँ से हम इसे छोटा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम छोटा करेंगे और छोड़ देंगे इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम यहाँ से वाइट कर देते हैं और इसे हम थोड़ा सा जूम कर और इसे हम क्या कर देते हैं, येलो कर देते हैं। और उसके बाद से क्या करते हैं, इसका आउटलाइन हटा देते हैं। यहाँ से इसका आउटलाइन हटा दिया और इसको हम क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया है। उसके बाद से हमें एक इमेज लगाना होता है। तो इमेज हम या नेट से डाउनलोड कर लेंगे या हम ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे रहेंगे। तो हम दोस्तों यहाँ पर क्या किए हैं ना, कि हम इमेज ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं। या आप चाहते हैं कि आप जिस लोकेशन पे इमेज डाउनलोड किए हैं वहाँ पे रखें, वहाँ से इसमें लाना, तो आप जाएंगे यहाँ पे फाइल में और यहाँ से आप इंपोर्ट कर लेंगे। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल जैसे ही आई प्रेस करेंगे ना, तो आप जिस लोकेशन पे रखे हुए हैं उस लोकेशन पे जाकर आप इंपोर्ट कर सकते हैं इमेज को। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ऑलरेडी इमेज को इंपोर्ट कर रखा हूँ। तो चलिए हम यहाँ से इमेज लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक इमेज लेंगे और लेने के बाद यहाँ पे ले जाएंगे। और यहाँ पे ले जाने के बाद हम यहाँ से इसे ड्रैग करेंगे, यहाँ से ड्रैग कर इसे ऐसे बड़ा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे बड़ा करेंगे और उसके बाद से हमें यहाँ पे एक टूल्स का यूज करना होगा जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे तो जो हमारा इसका बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंस हो जाएगा। तो हम इस पर डबल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम क्लिप पार्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, पावर क्लिप कर देंगे और यहाँ से जब पावर क्लिप करेंगे ना, तो हमारा इमेज उसके अंदर चला गया। और इस पर यहाँ पर हम जाएंगे एडिट में और यहाँ से इस इमेज को यहाँ से हम क्या करेंगे ना, इसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेंगे, ऐसे बड़ा करके और इसको थोड़ा ऐसे अंदर में कर लेंगे और इसे फिनिश कर देंगे। दोस्तों, इतना तो काम मेरा हो गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 3 पिक्चर लगाना। तो ये काम हम बाद में करेंगे। दोस्तों, जो हमें लिखना है वो ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ से सेट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्यूटी पार्लर का नाम लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्यूटी पार्लर का नाम लेंगे और यहाँ से इस कॉर्नर को जैसे ही ड्रैग करेंगे ना, तो हमारा बर्ड हो जाएगा। और यहाँ से इसका कलर कर देते हैं वाइट। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, वाइट कर देते हैं और इसे आसानी से इसे ऐसे लंबा कर देते हैं। उसके बाद से हमें ब्यूटी पार्लर लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएँगे और इसका भी कलर कर देते हैं वाइट और इसको ऐसे ड्रैग कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से ड्रैग कर दिए और इसको ऐसे थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। और उसके बाद से हमें क्या लिखना है कि इसके बाद हमें लिखना है केवल महिलाओं के लिए। तो हम ऐसे लाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे लाएंगे, इसका कलर हम रेड कर देते हैं, इसका कलर रेड कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम एक शेप बनाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक ऐसे शेप बनाएंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शेप टूल का और यहाँ से इसे राउंडेड कर देंगे थोड़ा सा। और इसका कलर हम कर देते हैं येलो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम येलो कर दिए और इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर ले जा कर रख देंगे।
और इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। देखो देखो बहुत आसान है दोस्तों, फ्लेक्स बनाना कोई भारी नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखिए, बहुत ही आसानी से आप फ्लेक्स डिजाइनिंग करना सीख जाएंगे। उसके बाद से हमें लिखना है इसका नोट्स। नोट क्या होता है कि हमें इस ब्यूटी पार्लर में क्या क्या काम किया जाता है वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पर हम ले आकर इसे छोड़ देंगे और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। यहाँ से पहले हम इस टेक्स्ट को मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद से हम कलर इसमें फिल कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम सेंटर कर देंगे और इसको हम ऐसे आसानी से मैनेज कर लेंगे। और दोस्तों इसके अंदर हमें एड्रेस लिखना होता है, तो हम एड्रेस के लिए यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक शेप लेते हैं। ऐसे हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम एक शेप ले लेते हैं, यहाँ पे हम शेप ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे रेड लेंगे और इसका आउटलाइन वाइट कर देंगे और यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक करेंगे और ऐसे यहाँ इसे राउंडेड कर देंगे और इसको दोस्तों हम पावर क्लिप कर देंगे। ऐसे क्लिक करेंगे और पावर क्लिप पे जाएंगे और इसमें हम पावर क्लिप कर देंगे। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को यहाँ पे लाएंगे और टेक्स्ट को हम कलर कर देते हैं यहाँ से वाइट। देखिए दोस्तों यहाँ पे वाइट करके और इसे हम ऐसे बड़ा कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा शेप है ना वो बहुत ही बड़ा हो गया है, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसे ऐसे थोड़ा छोटा कर लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे छोटा करके और इसे हम इसके नीचे जो इमेज है उसके नीचे कर लेंगे। तो इसके लिए हमें कंट्रोल के साथ पेज अप करना होगा। देखिए दोस्तों हम जैसे पेज अप या पेज डाउन करेंगे ना तो हमारा नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पेज डाउन या पेज ऑन का यूज करेंगे और ऐसे करके और इसको यहाँ से ऐसे अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे एड्रेस को सेट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक और हमें लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा करते जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से इसे छोटा करेंगे और इसे थोड़ा ऊपर कर लेंगे और ब्यूटी पार्लर को भी थोड़ा हम छोटा करेंगे और ये दोनों को भी हम थोड़ा छोटा करके और ऊपर लेके चले जाएंगे। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना कि एक यहाँ पर शेप बना लेते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हम इसे कर देते हैं रेड और यहाँ से वाइट कर देते हैं इसका आउटलाइन। आउटलाइन यहाँ से वाइट कर देते हैं और यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंस टूल का यूज करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से इसे ट्रांसपेरेंस इतना कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसे क्लिप आर्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों इसे क्लिप आर्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ऐसे क्लिप आर्ट किया और इसका कलर हम येलो कर देते हैं। देखिए दोस्तों इतना मेरा काम हो गया है और इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और इसको ले आकर यहाँ पे रख देते हैं और इसका कलर हम रेड कर देते हैं और रेड करने के बाद ऐसे इसे कर देते हैं। देखिए दोस्तों और इसको ऐसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हमें इमेज लगाना होगा, तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन शेप लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे और इसका कलर वाइट कर देंगे और यहाँ पे हम इसे थोड़ा अच्छे से बनाएंगे और यहाँ से शेप का यूज कर और इसे थोड़ा सा राउंडेड कर लेंगे और यहाँ पे प्लस क्लिक करेंगे ना तो एक डुप्लीकेट बन जाएगा, हम यहाँ पर ला कर यहाँ पर रख देंगे और एक और प्लस क्लिक करेंगे तो एक और डुप्लीकेट बन जाएगा और यहाँ पे एक और लेकर यहाँ पे रख देंगे। देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तीनों का सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और इसे ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और उसके बाद हमें इस इमेज को इसके अंदर लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप पर क्लिक कर और इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे और इस पर भी सेम वही काम करेंगे, ऐसे कर कर ऐसे कर देंगे और इस पर भी राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, या आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना तब फोटो को सेव करने का या अच्छा करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से सेव फोटो को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से हम फोटो को एडजस्टमेंट कर बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से हम फोटो को एडजस्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लेते हैं
देखिए दोस्तों, तो इस इमेज को थोड़ा सा ऐसे नीचे करके और इसको भी हम वैसे ही कर लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारा इमेज भी लग गया और यहाँ पे जो भी हमें लिखना हो वो हम लिख चुके हैं। और चलिए इसमें कुछ हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना कि जो हमारा रिद्धि सिद्धि लिखा हुआ है इसका कलर हम कुछ अलग करते हैं या इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पे इस टेक्स्ट पे प्लस का बटन टिपेंगे ना तो एक हमारा डुप्लीकेट बन जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लाएंगे, देखिए दोस्तों, और इसका हम कलर कर देते हैं रेड का कर। और इसे क्या करेंगे ना, हम इसे पेज डाउन कर देंगे, जो ऊपर वाला है उसे पेज डाउन कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, वो हमारा एक शेप बन जाएगा, यहाँ पे देखेंगे शेप बन गया। और इसको हम क्या कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इसको येलो कर देते हैं। और जो हमारा यहाँ पे पीला में जो हम शेप दिए हुए हैं ना, इसको हम कुछ कलर अलग कर देते हैं, यहाँ पे हम इसका कलर रेड कर देते हैं, देखिए दोस्तों। और जो हमारा टेक्स्ट का कलर है उसको हम वाइट कर देते हैं, यहाँ पे वाइट कर दिए। और देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक्स फ्लेक्स डिजाइनिंग बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही डिजाइनिंग करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस टाइप का वीडियो स्टेप बाय स्टेप लाने वाला हूँ। थैंक यू।